हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा वीडियो लेकर। तो जो आज है इस प्लांट के ऊपर, और इस प्लांट का नाम है कैलिसिया फ्रेग्रेंस, और इसे बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, चेन प्लांट भी बोलते हैं, बहुत से इसके नाम हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस प्लांट पर एक वीडियो बना दूं, तो आपको भी पता लग जाएगा कि इस प्लांट का क्या नाम है। तो कैलिसिया फ्रेग्रेंस के नाम से ये प्लांट जाना जाता है ज़्यादातर, और मैं इसे बास्केट प्लांट भी बोलते हैं इसे यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे इसके जो पत्ते हैं वो हैं, और बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। पर इस प्लांट की एक खामी ये है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको अगर आप टच करेंगे या इसके पत्ते इधर उधर करेंगे तो वो टूट भी जाते हैं, और बहुत ही जल्दी, मतलब इसको हाथ आप लगाओगे ज़्यादा, इसको तंग करोगे तो इसके जो पत्ते हैं वो टूट जाते हैं और इसकी टहनी अलग हो जाती है। तो लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर इसकी टहनी अलग हो जाए तो, या फिर इसका पत्ता अलग हो जाए तो उसमें भी जड़ें निकल आती हैं। अगर उसे आप किसी भी दूसरी सॉइल में लगा देंगे तो वहाँ भी ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, और ज़रूर आप इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा। और कटिंग से लगने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट है, और सबसे बड़ी खासियत इस प्लांट की ये है, ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह चल जाता है। तेज़ धूप में भी आप इसे रखिए तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और आप देख लीजिए ये चेन की तरह पूरे, ये जो बीच वाला मदर प्लांट है वो अपने चेन की तरह ऐसे फैलता रहता है, और बहुत सारे बेबी प्लांट्स इसके आसपास आपको नज़र आएंगे। और इन्हीं को निकाल कर आप किसी और गमले में काफ़ी सारे इसके प्लांट्स बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो और बाकी दोस्तों, इसकी धूप की मैंने बात कर ली, और सॉइल की मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी सॉइल में ये चल जाता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए रिच सॉइल आपको नहीं चाहिए, किसी भी सॉइल में ये जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। और इसकी आपको गुड़ाई करने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो आपको इस प्लांट के ऊपर कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और बाकी दोस्तों, इस प्लांट के बारे में पानी के लिए भी मैं बात कर लेती हूँ, तो पानी भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जब भी आपको इसकी मिट्टी ड्राई लगे तो आप इसको पानी दे दीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें पानी मत डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से ये प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। और बाकी दोस्तों, इस प्लांट के बारे में मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।